नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पे। जैसा कि आप पहले भी सुन चुके हैं कि यहाँ पर रामवाड़ी में जो घटना घटा है उसको उसी विषय को लेकर के यहाँ पर लोग उपस्थित हुए हैं। आइए जानते हैं उनका क्या कहना है। हमरा के बोले देता ना तू कहो ना। अच्छा ठीक बा ठीक बा। रात के मत आई, हमरा दिन के आई। हम कहो नहीं इतना बात के दिन के आई। अत खोलिए खोलिए, हम सर है खोलिए। तू कहो ना ये अभी तो खोलला के बाद में अगर मतलब का माने वो प्रशासन का कहने है ये काहे खातिर हम खुलवावत नहीं ना। हम ना कहो ना पूछी जा। अब हमारा के डांटे लग रहे कि खोलो, हम कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, सब घर में देख के अपन खोलो। जैसा कि आप देख रहे हैं कि रामोडीह में जो घटना घटा है युवती के साथ में, दुष्कर्म करने के बाद में उसको दूसरे दिन गोली मारने का प्रयास किया गया और उसे गोली लग भी चुका है। वो जिंदगी और मौत के बीच में खड़ी है। उनसे मिलने के लिए आइए जानते हैं कि आज उस युवती के शुभचिंतक बन करके कौन गए थे उसके दरवाजा पर मिलने के लिए। सर आपका नाम क्या है? शिवशंकर प्रसाद जी। क्या हैं आप? बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश महासचिव हूं जी। तो सर जानकारी हमें ये दीजिए कि आप उसके परिजन से मिले हैं कि नहीं? परिजन से आज ही मिल के आए जी। क्या मतलब स्थिति है वहाँ का? स्थिति तो बहुत दयनीय है आज के मतलब परिवेश में जो घटना घटी है रामोडीह में, और बहुत ही विडम्बना कहा जाएगा। और इस परिवेश में हम लोग गए थे कि ताकि उनको संतावना दिया जाए जी, और ऐसी घटनाएं न घटे भविष्य में, इसके लिए हम लोग वहाँ पहुँचे थे और उनके परिजन से मिल के आए जी। क्या मैंने परिजन से मुलाकात हुई तो क्या बोले? परिजन से मुलाकात हुई तो उन्होंने ये बताया कि वहाँ के चार युवकों ने हमारे बच्ची के साथ में, हम स्वच्छ करके आए थे, हमारी बच्ची हमारे पीछे पीछे थी, उनकी दादी कही, और पीछे से उनको पकड़ के ले गया और दरवाजे में बंद करके, घर में बंद करके, और उसके साथ रेप किया गया। रेप करने के बाद में दूसरे दिन घटना ऐसी घटी कि लोग कल्प्रिट लोग जो थे वो चाह रहे थे कि इस लड़की को ही जान से मार दिया जाए ताकि ये मतलब भविष्य में किसी तरह का पुरावा ना मिले जिससे हमारी मतलब जान मतलब क्लोज हो जाए। हाँ, मैटर क्लोज हो जाए जी। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए वो लोग लड़की को गोली मारे, लेकिन लड़की किसी तरह से बच गई है। अभी सर लड़की की क्या स्थिति है? लड़की की स्थिति बहुत दयनीय है और दयनीय स्थिति में है, लेकिन अभी थोड़ा सा होश आ रहा है। अच्छा। तो हो सकता है अभी मतलब अपनी जो वक्तव्य देना चाहिए वो नहीं दे पाई है जी। तो भविष्य में वो देगी तो उसके बाद में बात किया जाएगा। आप सर मीडिया के जरिए क्या मतलब लोगों को संदेश देना चाह रहे हैं या क्या प्रतिक्रिया आपका है? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि देश में जो दिन प्रतिदिन घटनाएं जो घट रही है तो प्रशासन भी इसके साथ है, और प्रशासन ऐसा नहीं होता तो ऐसा घटनाएं नहीं घटती। मैं चाह रहा हूं कि केंद्र और राज्य के सरकारें इस पर मतलब अपनी प्रतिक्रियाएं दे, साथ ही साथ ऐसी घटनाएं भविष्य में ना हो, और इस तरीके से प्रशासन की तरह से मतलब हर तरीके मतलब सामने लाया जाए ताकि ऐसे भविष्य में घटना ना घटे। और मुझे लग रहा है कि ये केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही इसमें कल्प्रिट है, और मैं पूरी तरह से क्योंकि वो सह दे रहा है, ऐसे आपराधिक घटनाएं दिन प्रतिदिन पूरे देश में घट रहा है और इसका सह दिया जा रहा है। अगर प्रशासन जग जाता तो ऐसी घटनाएं दिन प्रतिदिन हर गांव में नहीं होता। वहां पर सर जब आप गए तो आपको प्रशासन की प्रतिक्रिया क्या नजर आई वहां पर कुछ? नहीं, मुझे तो आज तो मैं गया था तो मुझे लगा कि नहीं मतलब कुछ प्रशासन सही तरीका से मतलब ध्यान दिया निभा रही है। हाँ, निभा रही है, अपने नीति निभा रही है जी। लेकिन भविष्य में क्या होगा ये मैं नहीं बता सकता, क्योंकि वो भविष्य के गर्भ में है और उनके माता पिता बहुत चिंतित है जी। वो इतने चिंतित, इतने डरे हुए हैं कि कभी भी कुछ घटना उनके साथ घट सकती है। इस तरीके से घटनाएं दिन प्रतिदिन हो रहा है, रामोडीह में हुआ है, तो उनके पूरा परिवार दहशत में है। फर्स्ट दिन दिमाग काम करत नहीं थे, पता था पीछे में आया था, बाकी रोड का नहीं थी 10 सेकंड का पता नहीं था ना है। अब बाबू का हम काय के देखे हम निशानी चला के बोल रहे बुचिया खुद इस कहां रे एक क्या दिन बोल रहे भाई बुचिया
मुचिया पीछा ही है यही अपन बाहर तक पानी अपन जब भी हो गया क्रियाक्रम करते रहे आगे ना तो कहीं कभी पूछे नहीं तो कहली यार देखता हूँ जा चलता चल मुझे पसी के दुआर तक हम लोग वहाँ तक रोड पर घूम के जो गोली आके पीछे नहीं गया तब कहली के छापे से कहे दुआर पर रहो समझ लीजिए ढोकर मैंने पीछे भी हमारा शौक पहले तो हम लोग से देखे कहते क्या है क्या है कहा कहा भोजपुरी में सही हम इसे बोलते हैं कहा हम नहीं करेगा कुछ बात करो घर में हम झकल बिना झक लगल के बाद हम चल घर आगे करके बोलते तू हमारे लड़की कहाँ कह बोली चौक पर दस आदमी बड़ भाई बैठाने कहानी देखा जाए इतने दूर में लड़की है हमार गायब हो गई वही तो फिर हम माई चिल्ला के कहली बाबू दौ वही घर में लड़की हो जब हम गोईनी तो दरवाजा ही दोनों खुला सबके माँ साथ नहीं थी दरवाजा दोनों खुला बा एगो हे दरवाजा पे एगो दरवाजा लगे बा एक लड़का सिगरेट पिया था ठीक ना जब हम गोई जाए लगा समय कितना बज रहा था उस समय सुबह था कि शाम था शाम सुबह का एकदम भोर में 6 बजे का धुन सुबह था हाँ 6 बजे जब वो इन्हें किसी जाने के लिए तो ये लोग इसे कहाँ जा रहा है अच्छा मतलब शौक हो गया शौक हुआ तो मैं कड़ाकड़ा के इसको पकड़ लिया एकदम अरे शौक होने के बाद क्या लड़की के सामने पकड़ा ना वो जो पीछा वाला था वो आकर स्टार्ट कर दिया हमको मारना शुरू कर दिया कितने लड़के थे हाँ 4 लड़के दो इधर था मारना शुरू कर दिया हम भी अपना चालू कर दिए अब खूब जोर से चिल्लाए हमको बाबू दो को मेरे लड़की को इसमें मार दिया ठीक ना सब लोग पूरा गांव जो जो फिर जुटा हिंदू मुसलमान जो भी था वहाँ छुटने लगा उसके बाद में जब हम फिर अंदर गए लड़के दूसरा रूम में थे उसका कौन वर्क कौन वर्क के थे लोग सब पैठान उस पैठान थे अच्छा सब पैठान अच्छा हो गया लड़की को हमने सबको लागल फिर अब गुस्सा थोड़ा सा गाँव भर जुटा मारो 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 हम भी गए जिस पे मान लो हाथ से मारे डंडा से मारे एक डंडा हम मारे वो लोग भी हमको मारा मारने वाने के बाद मैंने पूरा मुस्लिम लोग आ गया हाँ मेथी कर दिया अच्छा इच्छा को था फिर जो हिसाम का लड़का था पीछे से लाकर डंडा मेरे मुझे पे मार दिया फिर हाँ जो वही लड़का को हम बोले थे वो छूट के भी आया था आया कर फिर दूसरा दिन फिर ले जा रहे थे इधर चौक के पास में पीछे से गए तो हमको भी मार दिया लाठी क्या नाम है आपका विजय पासवान आप क्या लगते हैं लड़की के बड़ा पापा अच्छा अच्छा दूसरे दिन घटना क्या हुआ था पहला दिन के बाद में फिर दूसरा दिन वाला घटना क्या हुआ था देखिए फोटो